एम्बुलेंस 108 है, इस पूरे जाम में अब कितनी देर तक फंसी हुई रहेगी ये आप देखिए। किसी प्रकार की माकूल व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को आपात स्थिति में अगर अस्पताल तक पहुंचना होगा तो किन हालातों में पहुंचेगा उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त सीधे हम मौके पर मौजूद हैं और सीधे मौके पर मौजूद होने की वजह से ही जब एक गाड़ी इस वक्त 108 एम्बुलेंस जाम में पूरे फंसती हुई नज़र आएगी तो देखते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हैं जो आगे से जाम को खुलवा रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी, मैं आपको बताऊंगा, वो जाम को खुलवा रहे हैं 108 एम्बुलेंस को हटवाने के लिए, और कोशिश हम भी करते हैं कि जिस गाड़ी को यहाँ से गुजरना है उस गाड़ी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हैं, जाम खुलवा रहे हैं जो, और हम भी अब कोशिश करते हैं कि 108 जो गाड़ी इस वक्त जाम में फंसी हुई है वो कैसे भी करके निकले, क्योंकि जब प्रशासन मुस्तैदी पर नहीं होता है तो हम आम नागरिकों की ही जिम्मेदारी बनती है कि हम आएँ और आकर इस तरीके से कोई अगर जाम में फंस जाता है, कोई 108 गाड़ी अगर इस तरीके से फंस जाती है तो वो किसी भी तरीके से निकले, क्योंकि प्रशासन की कोई मुस्तैदी हमें नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि ग्राउंड पर जब भी आपको 108 गाड़ी इस तरीके से फंसती हुई नज़र आए तो आप उस गाड़ी को सबसे पहले रास्ता दें। जाम आगे तक लगा हुआ है, मेरे सहयोगी हिमांशु आगे से जाम को खुलवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवाओं को हमने कहा है, वो दिखाए, और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गाड़ी को यहाँ से हम निकलवा पाएँ, क्योंकि बहुत देर से वो फंसी हुई है। और ये युवा हमारी पहल काम यहाँ पर आ रही है, युवा इस तरीके से आगे आए हैं और स्थानीय युवा हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु सामने हैं, मैं राजवीर कहूँगा, मेरे सहयोगी हिमांशु की तस्वीर दिखाएं वो किस तरीके से जाम को पूरा उन्होंने आगे से खाली किया है। और अब ये देखिए आप गाड़ी, जब MTTV इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, लोगों को कहा है, तब जाकर एक गाड़ी को इस जाम से निकाल पा रहे हैं हम, यानी कि कितना बड़ा फेलियर हमारे सिस्टम का है उसकी ये शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी को निकाला हमारे सहयोगी हिमांशु और MTTV इंडिया जब ग्राउंड पर पहुंचा है तब किया है, और स्थानीय लोगों ने जब मदद की MTTV इंडिया ग्राउंड पर पहुंचा तब इस गाड़ी को रास्ता दिया गया, इस गाड़ी को हटाया गया। और अब ये ग्राउंड पर पत्रकारिता का जो सिद्धांत है उसके साथ साथ किस तरीके से आम नागरिक की सहायता की जाए ये एक तस्वीर है। और अब MTTV इंडिया की पहल के बाद 108 को हमने यहाँ से रास्ता दिया। ये युवा हैं, इन सब युवाओं ने यहाँ पर मदद की है। अच्छा, इस तरीके से 108 गाड़ियाँ जाम में फंस जाती हैं, आप लोगों को आगे आना पड़ता है हटाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें यही है, इसमें पुलिस प्रशासन भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकता है उससे उतनी वो मेहनत कर रहा है, इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते, बारिश का कुछ जुगाड़ इतना हो नहीं पाता है, एकदम से सडनली इतना कुछ कर नहीं सकते। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि MTTV इंडिया जब मौके पर पहुंचा तो आप लोगों ने, ये स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस तरीके से 108 गाड़ी का रास्ता खुलवाया, और मेरे सहयोगी हिमांशु माथुर मौके पर आए और हमारे साथ इस पूरे जाम को खुलवाया, 108 गाड़ी जो इस वक्त जाम में फंसी हुई थी उसको यहाँ से बाहर निकाला।